लगने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। ठीक है सर, मैंने नोट कर लिया सारी चीजें। वैसे सर यकीन करें, हमारी जो कंपनी का दूध है ना, इतना खालिस और इतना सेहतमंद है कि क्या कहते हैं। तो सर मैं 1000 कार्टन कर दूं? अरे थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बस मैं लिख देता हूँ, ठीक है ये, ठीक है जी सर, सर पहुंच जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ले भाई जानी, मजा आ गया आज तो, 1000 कार्टन का बंदोबस्त हो गया। लो भाई मैं जरा काम पे लग जाऊं। इस जोर की भूख लग रही है, जानी नाश्ता क्यों नहीं लेके आ रहा? अरे साईं बस ऐसे। बच्चे तुम क्या नीचे बैठ जाते हो गवारों की तरह, मैंने कहा आराम से सोफे पे बैठा करो। जानी कि क्या हुलिया बनाए हुए हो तुम, इनसे तो फिर भी बेहतर है। तमीज से बात करो जानी साईं, हम तुम्हें नौकरी से निकाल सकते हैं, हम तुम्हारा आधा मालिक है। ओ सॉरी सर, असल में ये हुलिया मैंने इसलिए बना रखा है कि 1000 डब्बों की डील बना के आया हूं और अब मैं नाश्ता बनाने जा रहा हूं। क्लाइंट से इस हुलिया में बात कर रहे थे? ओ मैडम, कैमरा यहाँ तक था, अंदरून खाना क्या चल रहा है किसी को क्या पता। वाह सही वाह, आदमी अकलमंद है। नवाज़िश, बहुत शुक्र। देखिए लोग मुझे ऐसे ही तो मार्केटिंग का बेताज बादशाह नहीं कहते। हाँ बाबा, वो चीटिंग मार का बादशाह। वाह वाह वाह, चीटिंग मार? चीटिंग मार नहीं बच्चों, मार्केटिंग। अरे बाबा हरकतें तो वही है ना, अब मार्केटिंग हो या चीटिंग मार के किटिंग हो, हमें उससे क्या लेना देना, हमें तो नाश्ता पानी वक्त पर चाहिए सही। हाँ जानी भूख लग रही है, नाश्ता का क्या होगा? मैं अभी बना के लाता हूँ, अभी बना के लाता हूँ। बहुत भूख लगी, जल्दी करो। लारो लारो। अच्छा बनाना सही, वरना तुम्हें पता हम दूर तक क्या करेगा। आज तो गवानों की तरह चिखती में और नीचे बैठती में, आराम से ऊपर बैठी और अपनी आवाज संभालिए। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी, वैसे ही आप आ जाती तो मैं डर जाता। वैसे अल्लाह तुम बहुत हैंडशेक लग रहे हो। हैंडशेक क्या मतलब? वो मेरा मतलब है कि वो जो अंग्रेजी फिल्मों में नहीं आता, बहुत ही खूबसूरत हैंडसम छोटा छोटा मानो। अच्छा आपका मतलब हैंडसम, अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी, वही वही। लो भला बताओ, अच्छे भले हैंडसम इंसान को हैंडशेक बना दिया, वैसे आप दूध वाले हैं, कुछ भी बना सकते हैं, मिल्क शेक भी बना सकती हैं आप तो। क्या मतलब? मेरा मतलब है आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं, मैं जरा तनाई में आप लोगों के लिए नाश्ता बना दूं। जानी नहीं, मैं भी बना लूं तुम्हारे साथ पराठा। नहीं आप जाएं। जानी रहम करें आप मुझ पे, तशरीफ ले जाएं बाहर, एक पराठा से। हाँ बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ, जाइए जाइए जाइए। ये क्या अजाब है ये, चलो क्या हुआ? अरे भाई ये बताइए कैसा लगा आपको मेरे हाथ का नाश्ता? मेरा तो दिल कर रहा है कि तुम्हारे हाथ ही खा जाऊं।
आदमखोर है क्या आप? बाबा इसका मतलब है कि इसको तुम्हारे हाथ का नाश्ता बहुत अच्छा लगा है। अच्छा मैं सोच रहा था अगर ये हाथ खा जाएगी तो मैं मंगनी की अंगूठी कहाँ पहनूंगा। अरे बड़ी तुम्हें अंगूठी पहनने की पड़ी है, हमारा काम कौन करेगा? इधर भाई टुन्ना होने जा रहा है और आपको काम की पड़ी हुई है। तो खैर मैं ही बर्तन उठा लेता हूँ। बड़ी ये जो मसाजर रखा है ना जानी, ओ मुझा जानी खूबसूरत लग रहा है। जी जानी, ओ मुझा जानी। जान मोहम्मद, ये कौन है बरी? मेरा नाम है, और प्लीज जानी आप मत बोला करें। हाँ मुझे पता है, वो जो औरतें होती हैं ना अपने होने वाले का नाम नहीं लेती हैं। एक तो आपको समझाना फजूल है। अच्छा सब बातें छोड़ें, ये बताएं आवाज क्यों दी थी आपने? इधर बैठो ना, मुझे थोड़ी सी तुमसे बातें करनी है। जानी जानी तुम यहाँ खड़े हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। तुम्हें ना दफ्तर जाना होगा, एक पार्टी से मीटिंग करनी। बहुत शुक्रिया मैडम, इसी तरह आप हमेशा मेरी जान बचाया करें। जान नहीं कहीं नहीं जाएगा। ओ जरीना तमीज से बात करो मेरे साथ, ये मेरा जानी, मेरा मतलब मेरा मैनेजर है ये। भले होगा तुम्हारा जानी लेकिन ये मेरे भाई, मेरा मतलब है कि मेरे अदा का भी नौकर है ये। तुम्हें कितनी बार समझाया बस तुम्हें बहुत समझ में क्यों नहीं आती? अरे भाजाई तुमको समझाना नहीं आ रहा, सारा गांव जो है ना मुझको सबसे ज्यादा समझदार कहता है। लेकिन ये तुम्हारा गांव नहीं है ना, ये मेरा शहर है। ये हर चीज को अपना बनाने की तुमको क्या बीमारी है, है? ये जानी तुम्हारा, ये बच्चू तुम्हारा, ये घर तुम्हारा, ये शहर तुम्हारा, भला हम क्या मर जाए? बहुत ना अपनी ना जबान संभाल के रखो, तुम्ही से बात करो मुझसे, वरना क्या बोलो बोलो, मैं कीमा कर दूंगी तुम्हारा। अरे वाह 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 वाह, ये तो कसा ही है बाबा, अब तो काम ही आसान हो गया। अरे ओ अदा, कौन सा नहीं, मैं कोई कसाई वसाई नहीं हूँ, मैं महावरतन कह रही थी, आई समझ? अरे वही तो मैं तुमको कह रही हूँ, तुमको समझाना नहीं आता। देखो तुम तमीज से रहो वरना मैं वाकई तुम्हारे टुकड़े कर करके ना तुम्हें यहाँ से उठवा के फेंकवा दूंगी। अबे ओ मेरे भाई के पैसों पे मसाजर रखने वाली। ओ गमार, मसाजर नहीं मैनेजर। हाँ हाँ मेरी बला से जो भी है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे हाथ नहीं लगाना। आज फैसला हो के रहेगा, या तुम इस घर में रहोगी या फिर मैं रहूंगी। अच्छा वो कैसे? अभी तुम्हें पता चल जाएगा, एक दो घंटे के बाद फिर लगेगा पता। अच्छा एक दो घंटे तुम्हें चाहिए, यानी डर गई हो तुम? अभी प्लानिंग करोगी, एक दो घंटा गाय का दूध वूध पियोगी, जान बनाओगी, फिर आओगी, हैं? डर गई? बताती हूँ अभी, तू सबर तो कर जा। डर गई डर गई, पता चल जाएगा तेरे को। खट्टा मीठा। खट्टा मीठा। अरे बाबा मेरे साथ बहुत जुल्म करती है, मेरे को मार के घर से निकाल दिया, बड़ी मुश्किलों से मैं घर में वापस घुसी हूँ। तुम लोग ऐसा करो कि इधर आ जाओ ताकि उसको घर से निकाले। अदा बजू तो तुम्हें पता ही है ना, शुरू से ही फारिक है, और इधर शहर में आकर तो छोकरी का, मेरा मतलब है कि भाजाई के गुलाम हो गया है। हाँ जल्दी करो, ठीक है। अरे दी जरीना, ये तूने सीमा से क्या कह दिया है? वो रो नहीं रही है, वो तो हंसे चली जा रही है। रोएगी तो वो भी तुम देखना दो तीन घंटे के बाद। अरे बाबा तुझे वक्त कैसे मालूम? तूने क्या हाजी गोट के बाबा नजूम से पूछा है? नहीं मैंने उसका काम तमाम करने के लिए ना सज्जू को फोन करके बुला लिया है। वो कह रहा है अज्जू और फज्जू के साथ आ रहा है इसको सबक सिखाने के लिए। अरे जरीना ये तूने क्या किया जरीना? तेरा भाई मर गया था क्या? बाबा तू मरा हुआ है मेरे नजदीक अपनी बीवी पर। अरे अदी तूने क्या कर दिया है? तूने संजू को बुला लिया है, अब क्या होगा? अरे बाबा क्या है, तुम एक ही बात को बार बार क्यों करते हो? अरे बहुत तंग किया है। जरीना, अरे जरीना, अरे बाबा अब संजू आएगा मैं क्या करूं? सीमा सीमा सीमा, अरे सही सीमा सीमा सही सही सही। क्या हो गया बच्चों? सही आप भाग जाओ सही। इतनी इज्जत से शादी की है, सब कुछ हो गया, भागने की क्या जरूरत? नहीं सही बेगम आप समझ नहीं रहे हो, आप बस भाग जाओ। क्या भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, क्या किसी भैंसों की रेस में नाम लिखवाया है मेरा तुमने? अरे नहीं बेगम, मसला ये है कि वो सरीना ने ना गांव में फोन करके हमारे रिश्तेदार हैं गुंडे सही गुंडे सज्जू अच्छू कचू उन सबको बुला लिया है सही, वो आपको मारेंगे आगे कत्ल करेंगे सही, आप भाग जाओ। तो
मैं नहीं डरती गुंडों उंडों से, बहुत देखे मैंने ये फज्जू सज्जू वज्जू खज्जू। आपने कहाँ देखे हैं भाई? मेरा मतलब है भाई, आप देखो, आप भाग जाओ, उनको हल्का मत लो, मैं बस इतना ही कहूंगा आपसे। जाओ बच्चू, मैं नहीं डरती किसी से। वापस क्या हूँ मैं? बच्चू तेरा क्या होगा? अरे मुंजी गाऊ, मुझे बता मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया हूँ सही, मैं तो फंस गया हूँ। मुंजी गाऊ, मेरी बहन ने मेरी बीवी सीमा को मारने के लिए मेरे गांव से गुंडे बुला लिए, मेरे रिश्तेदार सही, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे बाबा सही, मुझे किधर फंसा दिया आपने, ये कैसी बहन पैदा करके मेरे साथ छोड़ दिया आपने। मुंशी कहूं, मुझे लगता है सज्जू फज्जू और रज्जू आ गए हैं, घंटियां भी 3 बार बजी हैं और वो भी गुस्से में। क्या करूं, दरवाजा खोलूं नहीं खोलूं? बा बच्चुआ, और क्या करूं मुंशी कहूं, अगर मैंने उन तीनों को अंदर बुलाया वो मेरी सीमा को मार डालेंगे। नहीं सही नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। ऐसा करेगा मेहमानों के साथ, वो भी अपने गांव वालों के साथ। अरे सही, क्या करूं, दरवाजा खोलूं या नहीं खोलूं? गांव वालों के लिए तो दरवाजा खोलना पड़ेगा। एक काम करता हूँ सही, दरवाजा खोल के भाग जाता हूँ। मुंजी कहूं, मुझे छुपा ले अपने पीछे। मुंजी कहूं, मुंजी कहूं, मुंजी कहूं। बाबा जो फजू, बाबा घर तो यही है, मुझे अपने गांव की खुशबू आ रही है। भाई। अरे बाबा ये किधर से आ गए हैं? बाबा एक काम करो, इस घर में डेरा डालते, यहाँ से लाश लेके ही जाएंगे। चलो फिर हमला करते आ जाओ। अरे वरी बाहर निकलो, वरी किधर है सरे? अरे सज्जू भाई ये तो दलदल है। सज्जू भाई ये तो अंदर खींच रहा है साईं। अरे मुझे लगता है ये उसे चुड़ैल की चाल है। अरे अति दरीना, अति दरीना, अरे वाली तुम लोग भी दरवाजा लगाओ, तुम्हारे मुंह में ताला लगाएंगे। अति दरीना, एक और दफा लगाओ। अति दरीना, अरे लगाते रहो ना। अति दरीना, कौन जाए लो, मैं कभी मैं बता। वाकई में असली के गुंडे लग रहे हैं। बच्चू बच्चू कहाँ हैं? बच्चू बच्चू, हेलो बच्चू कहाँ हो तुम? सही मैं छुपा हुआ हूँ सज्जू फज्जू और रज्जू से। खुदा का खौफ करो, तुम क्यों छुप रहे हो? मुझे कौन बचाएगा बच्चू? सही अल्लाह सही, अल्लाह सही बचाएगा सही, इंसानों से उम्मीदें रखनी नहीं चाहिए। बच्चू तो मेरे शोहर हो, ये तुम्हारा फर्ज है। आप चाहती है कि मैं आपका शोहर ही रहूं ना? है ही रहे ना। सदा जोर ना दे सही, वरना ये बच्चू जो है वो था हो जाएगा। बच्चू उन काट दिया, क्या करूं जाने। अच्छा भैया आई, किसका फोन आ गया? अरे मैडम का। हेलो जी मैडम। हाँ जानी बात सुनो। गुंडे क्या घर में घुस गए? अरे ऐसे गुंडे बहुत देखे भाई, यहाँ फिक्र नहीं करें, बस मैं अभी आया। हाँ मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। गुंडे आ गए यार, ये कैसे हो गया यार? खट्टा मीठा। हिम्मत है तो बाहर निकलना, बढ़िया ही दादागिरी करने वाली, मेरा कीमा बनाने वाली, निकलो बाहर। अधी लगता है वो मुझे देख के डर गई है। ठीक है मैं खुद ही घुस के निकालती हूँ उसको।
अरे ना अदी ना, शायद तू शहर आके भूल गई है कि किसी के घर में घुसना अच्छी बात नहीं होती और कमरे में तो बिल्कुल नहीं। तुम लोग यहाँ मुझको तेजीब सिखाने हो या गुंडागर्दी करने आए हो? हम आपके भाई बन के आए दी, आपकी इज्जत, गांव की इज्जत, हमारी इज्जत, सबकी इज्जत रखना हमारा काम है। अरे जाओ अदा यहाँ से, मैंने जिंदगी में पहली दफा इसे फलसफी गुंजे देखे, बड़े आए। अरे बाबा तुम लोग भी कुछ बोलोगे ना, तुम शेर देखने आए? अरे हिम्मत है तो बाहर निकलो। नहीं निकल रहे बाबा। बच्चों मत बनकर सामना कर, आवाज आंखें बंद करने से नहीं, कान बंद करने से रुकती है। बाबा मिलना तो पड़ेगा, वरना गांव में बड़ी बेइज्जती हो जाती है। बच्चों हिम्मत कर, बच्चों हिम्मत कर। अल्लाह पाक, अल्लाह सही। आने दे दी, आने दे जरा बात करते हैं। क्या बताऊं सजू साई, मेरा दोस्त, मेरा भाई, कैसा है साई, छा हाल है? चाहते हो सजू साई, मूड खराब है क्या? अब तू शेरी हो गया है, धोखेबाज हो गया है, और तेरी बेबी जो है वो हमारी अदी को बोलती है क्या तेरा कीमा कीमा बना दूंगी, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। साई इतनी दूर से आए हो कीमा लेने? देखो देखो शहर आके कितनी उल्टी बातें करने लगा ये। ना बाबा, ये उल्टी बातें तो पहले भी करता था, अब इसका दिमाग भी उल्टा कर दिया है उस चुड़ैल ने। देखो बच्चू, इज्जत से अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल दे, वरना हम तुम दोनों का खून पी जाएंगे। अरे बाबा तुम भी तो बोलो, तुम यहाँ पर घूमने आए? बाहर निकालो। अरे भाई बात सुनना यार, बात सुनना। जी 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 भाई। यार मैं काफी देर से देख रहा हूँ, क्या चल रहा है? लोग पे लोग अंदर जा रहे हैं, कोई बाहर तो आ नहीं रहा। कुछ दिनों में आपकी रूह बाहर आने को है चाचा मियाँ, जाके इबादत करें। अरे यार रंगीले मियाँ हूँ, पड़ोसी हूँ तुम्हारा, यार कभी घर पे तो बुलाओ मिलने के लिए, कोई दावत शावत। हाँ बुला लेंगे यार, बुला लेंगे। वैसे पूछ रहा हूँ क्या चल रहा है, बड़े लोग अंदर जा रहे हैं? शूटिंग चल रही है। क्या वाकई शूटिंग? बिल्कुल। तो यार हमें बताओ ना, वो मेरा भी तालु ड्रामो से है। तो भाई घर में जाके ड्रामे करें आप? नहीं नहीं, कोई यार कोई रोल बोलो तो बताना यार। फिलहाल तो चिकन रोल है। क्या मतलब? अरे नहीं यार, मैं कह रहा हूँ कोई ड्रामे में कोई सीन भी हो तो बताना। फिलहाल भाई कोई कार्टून की फिल्म तो हम बना नहीं रहे, जैसी बनेगी मैं आपको बुला लूंगा। क्या मतलब है यार? मेरा मतलब है बता दूंगा मैं आपको, बता दूंगा। ठीक है। अच्छा अब इजाजत है, मैं अंदर जाऊँ? हाँ जाओ, मैंने तुम्हें क्या किराया देना है? बड़े बड़े गुंडे देखे हैं, देखते किस किस्म के गुंडे हैं। अबे ये तो वाकई सचमुच के गुंडे आ गए। बचा लो मुझे, छुपा लो मुझे। ओहो मैडम का फोन। हेलो, मैं आ रहा हूँ मैडम, मैं आ रहा हूँ, रास्ते में रश बहुत है इतना। हेलो हेलो, की पापी पाटी पापा टीड़ी पापा। मैडम बाद में बात करता हूँ आप। अरे क्या हुआ भाई, परेशान लग रहे हो क्या, कोई एक्टर भाग गया? हाँ परेशानी तो है, एक कैरेक्टर भाग गया है। अरे टेंशन के ले रहे हो, कहानी क्या कहानी? भाई हीरोइन का भाई है। अच्छा। लीड पर है वो। अच्छा। डाकू घर में घुसे में। अच्छा। बहन की इज्जत का सवाल है। अच्छा। बहन की जान बचानी है। बस मेन करेक्टर है आपका। यार मैं कहूँगा कि यार अगर तुम मुझे मौका दो फिर देखो। कर लेंगे आप? हाँ, ये क्या बात हुई, कर लूंगा। ठीक हो गया, रेडी हो? रेडी हो। लेकिन एक मिनट, पहले मैं डायरेक्टर से पूछ के आता हूँ। अच्छा पूछ कर आओगे पहले? क्या उसको बनू है? आ,
हाँ भाई रेडी हो जाओ। रेडियो चले फिर मेरे साथ। ऐसे कैसे चले भाई, कोई डायलॉग वगैरह, कोई स्क्रिप्ट वगैरह? इस उम्र में स्क्रिप्ट याद करेंगे आप क्या? अरे भाई आप तो कह रहे थे मैं खुद ही घर में ड्रामे कर लेता हूँ, खुद ही बोल लूंगा। हाँ नहीं वो तो मैंने कहा था, सही कहा था। एक काम करो तुम मुझे 2 मिनट दो खाली। अच्छा ठीक है ठीक है, डन हो गया। यार जी कोई चक्कर करा के ना चला जाए, हो जाएगा बस। ये क्या है भाई? ओए नेजा है। गंडासा होता था भाई। मैं किसी की नकल नहीं करता। ओ जाहिलो इसको गेटअप कहते हैं, गेटअप। ये बताओ कैमरा रेडी है? क्या कैमरा? अरे वो अंदर जो है वो खुफिया किस्म की रिकॉर्डिंग हो रही है, वो नहीं देखा होता हाथ हिला के दिखाएं, उस तरह की रिकॉर्डिंग है। तो भाई सीन अंदर चालू है, अंदर जाए और छा जाए। तुम फिक्र ही नहीं करो, मैं एक टैक में ओके करा के आता हूँ। आला। ओए दुश्मना। इन्ना लिल्लाहे व इन्ना इलैहि राजिऊन। लगता बहुत कुछ खा रहा है, मैं फोन कर दूं जब तक ईडी सेंटर वालों को। हेलो जी ईडी सेंटर। भाई ऐसा है कि हमारे घर में एक लाश पड़ी, उसको आके उठा लें। जलसा उठाना है क्या लाशों का? एक ही है भाई, एक ही लाश है जी। आ जाए। ओए उठो। ईडी सेंटर। हाँ भाई गाड़ी अब जरा बड़ी भेजना, एक की जगह 5 लाश है भाई। मीठा लगता है सब सो रहे हैं, यहीं कहीं छुपा देता हूँ। अच्छी बात नहीं है किसी की बातें सुनना। तुम मेरे मैनेजर हो और तुम्हारी हर एक्टिविटी पे मैं नजर रख सकते हूँ। मैंने सोचा आपसे पूछ लूं अगर दूध लगवाना है तो। अरे बाबा कैसी बातें करता है, हमारे तो अपने बड़े हैं बाबा, हमारा दूध डब्बों में मार्केट में सप्लाई भी होता है बाबा। इससे क्या देख रहे हो? असल में आपको पानी पीता देख के ना मुझे एक अंग्रेजी फिल्म याद आ गई। दुनिया भर के पेशेवर लोग रहते हैं उस घर में, दूध वाला भी है, नौकर भी है, मैं तो तंग आ गया यार। क्यों बला, ये तू अपने बाबा साईं के घर से लेकर आई है? बाबा ये मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा, क्योंकि ये मेरे जानी को मिला है। क्या तुम्हारा जानी? जी नहीं, ये मेरा जानी है। अरे सीमा, मेरे पैदा होने से पहले मेरी अम्मी जान गुजर गई, उसके बाद मेरे अबू जान भी गुजर गए। अब सोचो जब मैं पैदा हुआ तो कितना अकेला था। ओ भाई बस बस बहुत हो गए, तुम्हारे बहाने ये बेरुपिया बन के किसी और को बनाना। अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।